हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर एक न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो वायरल हो रही है, और यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी ये काफ़ी बार जो है बच्चों ने ये चीज़ मुझे भेज करके फॉरवर्ड करके और फिर इसकी सत्यता की जाँच की जो है बारे में पूछा, या एक तरीके से पूछा कि इसमें कितनी को सच्चाई है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो न्यूज़ है लिखा हुआ है UPTET 2019 बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके प्रयागराज, और लिखा है आज सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बयान दिया। ये दो दिन पहले से जो है मेरे पास में आ रही है एक तरीके से जो न्यूज़ है फॉरवर्डेड उसमें कि 18 सितम्बर तक UPTET 2019 का नोटिफिकेशन हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा तिथि जो है वो 17 नवम्बर पर जो है विचार चल रहा है। लिखा है सभी विभागों से इस तिथि पर सहमति मांगी गई है, सहमति के बाद लगेगी परीक्षा तिथि पर मोहर। और बाकी यहां पर लिखा हुआ है कि सचिव ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। UPTET 2019 परीक्षा परिणाम और सुपर टेट पर कुछ भी कहने पर अभी सचिव ने इनकार किया है। और आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे कि DLED बैच 2017 जो है 2017 से जो सक्रिय प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा ये चीज़ जो है बताई गई है। आपको आप सभी लोगों को मैं इस बात से अवगत करा दूं कि अभी कुछ भी ऑफिशियल देखने को नहीं मिला है, कोई भी ऑफिशियल उनका बयान भी नहीं देखने को मिला है कि न्यूज़पेपर वगैरह या कहीं भी जो है देखने को मिले या फिर आए ऐसे में प्रकाशित हो। तो आप लोग अभी पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अभी पूरी तरीके से 2019 के लिए आप CTET की परीक्षा हो गई या फिर UPTET की परीक्षा हो गई, ठीक है, लेवल सबका वही होने वाला है। अभी 2019 के लिए आप पढ़ना जारी रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर आपका डेली लेक्चर आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपका जो है 3 PM 3 PM रहे, और डेली लाइव क्लासेस आपकी 7 PM होती हैं 7 बजे शाम को। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करिए, अब तक आपकी 70 क्लासेस हो चुकी हैं ऐसे उसमें, और आपके लेक्चर्स तो काफ़ी कुछ मैं पढ़ा ही चुका हूँ। वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ UPTET 2019 से संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी को उससे अवगत कराया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी आप इतना मान के चल सकते हैं कि मिड नवंबर में जो है आपका पेपर होने की संभावना है। ऐसे में नोटिफिकेशन भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस डेट में नहीं आ सकती, इस डेट में भी वो चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है मैं भी वहाँ पर कुछ आप लोगों को ऐसे में आश्वस्त नहीं करूँगा। तो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दें, जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं अभी अपनी पढ़ाई पर ही आप लोग ध्यान दें। और बाकी आपके आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।